जदों पासपोर्ट ते वीजा लग्या होया मेरा रब दियां। सत श्री अकाल दोस्तों, सी बड़ा एजुकेशन दे यूट्यूब चैनल ते थोड़े सारयां दा स्वागत करदा जी। कहंदे हुंदे कि हिम्मते मर्द मर्दे खुदा। सो इहो जी स्टोरी है अज मेरे नाल जो कपल बैठे हुए ने, पिछले 3 तों 4 साल हो गए इन्हां नूं बाहर जाण दे लई स्ट्रगल करदिआं नूं, यूके जाण दे लई स्ट्रगल करदिआं नूं, बट इन्हां दी जो है किसी ने बाह नहीं फड़ी। किते ऑफर लैटर नहीं आउंदा सी, किते कैश लैटर नहीं आउंदा सी, बहुत सारियां प्रॉब्लम सीगियां ते काफ़ी पैसा भी खराब होया। दैन फाइनली इन्हां ने साडे कोल विजिट किया ते थैंक यू गॉड, ते अज इन्हां दा वीज़ा थोड़े सामने है। सुमनदीप ते भाजी थोनों बहुत बहुत मुबारक, ते फाइनली थोड़ा वीज़ा आ गया। सो जिहड़े स्टूडेंट यूके जाना चाहते हैं वो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कर, क्योंकि मनदीप अपना एक्सपीरियंस थोड़े नाल शेयर करन लगे है। सो हो सकता है कि अगली टर्न थोड़ी होवे जिथे अच मनदीप बैठे ने। सो आप गलबात करते हैं मनदीप के नाल। जी मनदीप। सत श्री अकाल, मेरा नाम मनदीप कौर है ते मैं सरहिंद तो बिलोंग करती हाँ। पिछले 3 साल तो मैं यूके लिए ट्राई कर रही हूँ, बट किसी एजेंट को मेरा ऑफर लैटर नहीं होंगे तो किसी को कैश नहीं होंगे, कई कारण करके मेरा यूके जाने का। मैं एक चीज़ पूछना चाहना मनदीप कि तुसी किन्ने के एजेंट्स को विजिट किया होगा पिछले 3 साल दे विच? पिछले 3 साल तो 2-3 एजेंट्स को विजिट किया। ओके, ते भाजी तुसी साडे कोल जदों विजिट किया तुसी की किसी दी रेफरेंस तो आए सी साडे कोल? हां जी, साडे रिलेटिव सीगे जिहड़े इत्थों गए सीगे, उन्होंने कहा भी बहुत वधिया ने, मतलब इन्हां कोल तुसी इक वारी जरूर जाओ। ठीक है, मनदीप कौर ते इन्हां दे हस्बैंड साडे कोल आए, आई थिंक 2-2.5 महीने पहला तुसी साडे कोल विजिट किया सीगा। तो मनदीप एक चीज़ मैं अज भी याद है, जो मनदीप ने साडे कोल विजिट किया तो मनदीप कहती भी मेरे आयल्स में सिर्फ 2 महीने रह गए, नहीं तो मेरी आयल्स एक्सपायर हो जाए, क्योंकि पिछले भी इन्हों की आयल्स एक बार एक्सपायर हो गई थी किसी एजेंट को लवाया सी, बट इन्हों का जोड़ा काम है वो सिरे नहीं चढ़िया। सो ये बहुत वरीड से कि इन्हों जो इन कैश लैटर आया इन्हों इनफॉर्म किया तो इन्हों यकीन ही नहीं होया कि साडा कैश लैटर आ गया, क्योंकि जदों बंदा इन्नी खज्जल खुआरी करता है इन्ना टाइम बर्बाद होता है, टाइम तो टाइम भी नाल पैसा भी, ते जदों किते काम सिरे नहीं चढ़ता तो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। ते भाजी तुसी आह थोनू जदों उरे आए थोनू किस तरीके का माहौल लग्या, या तो थोनू कोई नैगेटिविटी आई या पॉजिटिविटी आई, किस तरीके का रहा थोड़ा? नहीं सर, असीं जदों विजिट किया तो सानू लग्या भी जदों थोनू मिले ते छोटे कॉर्पोरेट देखा तो सानू लग्या भी थोड़ा हो सकता भी इत्थे साडा काम सिरे हो जाऊगा, भी वीजा फाइनली अज सानू मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद जी साडा, ते बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों देखो जदों आपां गल करदे आं बाहर जाण दी, चाहे वह यूके की गल है, चाहे आस्ट्रेलिया की गल है, चाहे वह कैनेडा की गल है, जो थोड़ा स्टडी प्रोवाइडर है या जो थोड़ा सर्विस प्रोवाइडर है थोनू उन्हां दे उपर रिलाई होना चाहिए, थोनू उन्हां दे उपर ट्रस्ट करना चाहिए। पिछले 2-2.5 महीनों के इन्हां ने साडे ते ट्रस्ट किया, असीं इन्हां दी एप्लीकेशन लाई ते अज वीज़ा फाइनली थोड़े सामने है। सो मनदीप हुण तुसीं कदों अपलाई कर रहे हो? मैनू ते स्टैंडर्ड टाइम दे विच इन्हां ने मेरी फाइल लगा के क्योंकि यूक्रेन करके प्रोटी सुपर प्रियोरिटी बंद होगी तो करके स्टैंडर्ड वीज़ा दे विच भी इन्हां ने मैनू 6 हफ्तों मेरा वीज़ा लिया था, ते मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हाँ अमरजीत सर का। सो दोस्तों हुण यूके दे विच 3 सर्विसिज ने, प्रायोरिटी स्टैंडर्ड प्रायोरिटी ते सुपर प्रायोरिटी, कुछ एक टाइम दे लई प्रायोरिटी ते सुपर प्रायोरिटी जिहड़ी सर्विसिज ने ओह बंद कीतियां होईयां ने, तां डिसीजन थोड़े जिहे डिले होके आ रहे ने, बट चंगी गल है कि पॉजिटिव आ रहे ने। इस दे नाल नाल हर वार की तरह असी सारे पैसे जो है वो वीज़ा लगन तो बाद लैने आ, तां जो थोड़े कोई पैसे का नुकसान ना होवे, थोड़ा कोई रिस्क फैक्टर ना होवे, जां थोड़ा कोई टाइम खराब ना होवे। सो दोस्तों जेकर तुसी भी मनदीप दे वांग अपने सुपने साकार करना चाहते हो, यूके दे विच जाके स्टडी करना चाहते हो, तो तुसी अज ही साडी एक्सपर्ट टीम नूं कॉल करो 7870478704। सत श्री अकाल। जदों पासपोर्ट ते वीजा लग्या होया मेरा रब दियां।